कैसे हैं? ठीक फसल, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। फ़हीम साहब माशाल्लाह अपने जानवर के जैसे यहाँ बांधे जाते हैं, उनका जो टट्टी मंडी जो होती है, मुझसे कहते हैं जो भी चीज़ है गोबर होता है उसको सफाई किया जाता है। देखो ये पेशाब किया हुआ था, उस चीज़ को साफ़ करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जानवर वहाँ बांधे गए हैं, अभी फ़िलहाल तो धूप हल्की सी है, उसको चारा डाल दिया गया है। फ़हीम साहब इसको कहाँ गिराओगे फिर, किस जगह पर, या अभी कहाँ पर गिराओगे इसको, किस चीज़ में ले जाओगे, कौन सी मतलब चीज़ का नाम तो बताओ। ये इसमें छज में इसमें डालेगा, कैसे डालते हैं ये देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं ये कैसे। ये देखिए फ़हीम साहब इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेके जाएंगे वहाँ मस्जिद बाल फेंकेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत मेहनती बच्चा है, स्कूल के साथ साथ माशाल्लाह ये भी काम भी करता है। जी नाज़रीन, तो ये माशाल्लाह से फ़हीम साहब इस टाइम लेके आ रहा है माशाल्लाह। कौन सी क्लास में हो? सातवीं क्लास में। ये बच्चा मेहनती बहुत है, ये अभी यहाँ पर लेके आ रहा है, ये डालने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मस्जिद डालेगा। फिर ये जो इतना खड़ा हो गया कहाँ ले जाओगे फ़हीम साहब? इधर आओ, बात सुनो, इधर खड़े हो ना, कहाँ ले जाओगे? फिर ट्रैक्टर ट्राली में ले जाएंगे, ज़मीन में डालेंगे, जैसे उसके हल मारते हैं ना उसमें ज़मीन में डालेंगे, गंदम की फसल होगी ख़त्म होगी जैसे गन्ने की, फिर उसके बाद डालेंगे ये सब दूसरी खाद का बीज है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। तो कमेंट में बताएं फ़हीम साहब कितने मेहनती बच्चे, पढ़ाई के साथ साथ अपने घर में काम भी जानवर के साथ साथ किए जा रहे हैं।